अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान सही है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मानिया टोल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टोयोटा यारिस 2019 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि टोयोटा कंपनी टोयोटा जीएलए और एक्सएलए को बंद करके पाकिस्तान में टोयोटा वाइस को लॉन्च करने वाली है, लेकिन ये न्यूज़ बस आप लोग सुन रहे थे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब न्यूज़ आ रही है कि टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा वाइस को लॉन्च नहीं करेगी बल्कि टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा यारिस को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है और ये बात सच भी होती नजर आ रही है। ये टोयोटा यारिस से एक कम्पैक्ट कार है जो कि टोयोटा वाइस से सस्ती भी होगी। टोयोटा यारिस देखने में काफ़ी प्यारी और अट्रैक्टिव गाड़ी है। इस गाड़ी का साइज जीएलए और एक्सएलए से काफ़ी छोटा है। गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी स्टाइलिश और प्यारा है। गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी एडवांस फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी की पिक्चर्स आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि टोयोटा यारिस की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करें तो टोयोटा यारिस पाकिस्तान में 1.2 लीटर इंजन के साथ आएगी। इस गाड़ी में आपको टोयोटा जीएलए और एक्सएलए से अच्छी माइलेज मिल सकती है। इस गाड़ी में 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिलेगी। अगर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें हमें डुअल एयरबैग्स मिलेंगे, एबीएस ब्रेक सिस्टम मिलेगा, ईबीडी ब्रेक सिस्टम मिलेगा। और अगर गाड़ी की लॉन्च डेट की बात की जाए तो टोयोटा यारिस 2019 के मिड में पाकिस्तान में लॉन्च होगी और ये अगस्त तक भी लॉन्च हो सकती है। टोयोटा यारिस की प्राइस की बात की जाए तो टोयोटा यारिस की पाकिस्तान में अभी तक कंफर्म प्राइस नहीं पता चल सकी, लेकिन इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है वो 15 से 18 लाख तक हो सकती है पाकिस्तान। और अगर आप ये गाड़ी पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये गाड़ी अच्छी भी लगती है तो आप फिर भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।